फेमिनिस्ट न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, सिटी में फिर कोरोना ब्लास्ट, युवती से छेड़छाड़। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना का असर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इस समय कोरोना मरीजों की संख्या फिर से दिखाई दे रही है। कोरोना का असर जरूर खत्म हुआ है, लेकिन कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अनलॉक होते ही बाजार परिसर व अन्य स्थानों पर भीड़ का नजारा देखा जा रहा है। यह भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रित कर रही है। सब्जी मंडी व बाजार परिसर में लोगों की भीड़ बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों द्वारा नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर यह स्थिति काफी खतरनाक बनती जा रही है। लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। कई जगह लोग मास्क तक नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कुछ लोग मास्क गले में लटका लेते हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को नियमों का पालन करने के लिए कहा है। अगली खबर, जिस तरह से कोरोना महामारी का संक्रमण पहली व दूसरी लहर में धीरे धीरे गति पकड़ते हुए ब्लास्ट की ओर बढ़ा था, ठीक उसी तर्ज पर पिछले कुछ दिनों से सिटी सहित जिले में कोरोना की तीसरी लहर में तेजी नजर आ रही है। बाजारों समारोहों की भीड़ लापरवाह दिख रही है। यह भीड़ कहीं एक बार फिर सिटी के लिए भस्मासुर न बन जाए, यह खतरा पैदा हो गया है। मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में एक ही दिन में 44 नए पॉजिटिव सामने आए। इनमें 34 सिटी के, 3 ग्रामीण इलाकों के और 7 जिले के बाहर के मरीज हैं। दो दिन पहले संडे को 34 नए संक्रमित पाए गए थे, लेकिन दूसरे दिन सोमवार को यह संख्या घटकर 12 थी। दूसरे दिन सीधे आंकड़ा 44 पर पहुंच गया। बीते 5 महीनों में एक दिन में सर्वाधिक नए पॉजिटिव मंगलवार को मिले। इससे स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अगली खबर, कार चालक ने युवती से अभद्र बर्ताव किया। बजाज नगर थाने में कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश में फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित 20 वर्षीय युवती है। सोमवार को शाम करीब 4 बजे युवती अपनी सहेली के साथ पैदल जा रही थी। इस दौरान सफेद रंग की कार के चालक ने कार रोकी और पीड़िता से अभद्र बर्ताव करते हुए उससे छेड़छाड़ की। इसके बाद आरोपी भाग निकला। प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी अथवा कार नंबर की तलाश में फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।